भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 69 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस अवसर पर पूरी दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के एक बददिमाग मंत्री फवाद हुसैन का एक ट्वीट सामने आया है। फवाद चौधरी ने इस ट्वीट के बाद अपनी बदतमीजी की सारी सीमाएं लांघ दी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान लगता है अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। बौखलाया पाकिस्तान इतनी नीची हरकत कर बैठेगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमेशा भारत विरोधी बयान देने वाले फवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इतना बेहुदा ट्वीट किया कि उन्हें पाकिस्तान में ही धिक्कारा जा रहा है। जब पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रही थी, तब इमरान के मंत्री ने मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। अब फवाद को पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। फवाद हुसैन ने हैशटैग मोदी बर्थडे के साथ लिखा, आज का दिन हमें गर्भ निरोधकों का महत्व समझाता है। फवाद के इस बेहुदा ट्वीट की भारत से ज्यादा पाकिस्तान में आलोचना हो रही है। अब उनके अपने देश में ही लोग उनके पीछे पड़ गए और इस शर्मनाक ट्वीट के लिए उनको लताड़ रहे हैं। जहां एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आपको कोई काम नहीं दिए हैं खान साहब ने, जो सुबह सुबह जाहिलों जैसे ट्वीट स्टार्ट कर दिए, तो वहीं एक और यूजर आयशा अहमद ने लिखा कि जहालत है, एक मिनिस्टर की सीट पर पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री को क्या कमेंट कर रहे हैं। इतनी दुश्मनी दिखानी है तो तकनीक में, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा करो। बुरे अल्फाज में स्पर्धा करके विनर होना कोई सम्मान नहीं मिस्टर मिनिस्टर। फवाद के ऐसा करने के बाद पाकिस्तानी आवाम ने उन्हें आईना दिखा दिया। ट्विटर पर फवाद की खूब मौज ली जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग फवाद पर कई तरह के मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। इन सब के बीच खास बात तो ये है कि पाकिस्तान के लोग भी फवाद की इस हरकत की निंदा करने लगे। पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके ने इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पर पाकिस्तान के मंत्री को धिक्कारा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और तभी से इमरान के बदतमीज मंत्री फवाद अजीबोगरीब बयानबाजी करने लगे। लगता है फवाद चौधरी के पास भारत के खिलाफ जहर उगलने के अलावा और कोई काम नहीं बचा, या फिर ऐसा करना कंगाल पाकिस्तान की रोजी रोटी का जरिया बन चुका है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के पास बेतुकी बयानबाजी के लिए सिर्फ उनका मुफ्त का ट्विटर अकाउंट ही बचा है। पाकिस्तान के बददिमाग मंत्री फवाद हुसैन ने ये पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वे चंद्रयान 2 पर ट्वीट कर ट्रोल हो चुके हैं। अपनी फजीहत कराना मानो फवाद हुसैन की आदत बन चुका है, इसीलिए बार बार वे अपनी बेइज्जती कराने चले आते हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।